छह डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर एक परिवार को आगे पीछे मिलते हैं। और दोस्तों ये एक सामान्य परिवार सा, मैं गांव का रहने वाला हूँ, सीएलसी में जब भी कभी जाते हैं तो बॉस एक सामान्य से जाते हैं घुसते हैं जैसे, तो स्टूल पर ऐसे बैठे रहते हैं जैसे कोई एक सामान्य से आदमी हो। मेरी बेटी बिल्कुल एवरेज बच्ची थी जिसके 10वीं में 71 थे और 12वीं में 71 थे। आरएनटी उदयपुर में, नमस्कार, जय सीएलसी। मैं तो साहब ये कह रहा हूँ कि आज यदि सीएलसी नहीं होती तो शायद मेरी बेटी डॉक्टर नहीं बनती। क्या बात है, क्योंकि मेरी बेटी जो थी एवरेज बच्ची थी सब, क्योंकि मेरी भावुकता इतनी होती है कि मैं कुछ ऐसे शब्द निकालता हूँ तो मेरी तुरंत आँखों में से पानी आ जाता है। तो मेरी बेटी बिल्कुल एवरेज बच्ची थी जिसके 10वीं में 71 थे और 12वीं में भी 71 थे, लेकिन आज आरएनटी उदयपुर में है। आज वो आरएनटी उदयपुर में, क्या बात है। वो केवल देन है तो केवल सीएलसी की, सीएलसी टीम की, बॉस की, क्योंकि मैंने जो बॉस के अंदर देखा है, बॉस के विचार, बॉस के मोटिवेशन, ये मैं कहीं दूसरी संस्था में नहीं देख सकता जो मैंने बॉस के अंदर देखा है। तो आज ये हमारा, मैं तो ईश्वर की देन मानता हूँ कि जो हमें ईश्वर ने अच्छा रास्ता दिखाया और हम बॉस तक पहुँचे। सीएलसी में हमने बच्चे को अध्ययन कराया और आज बच्चे आरएनटी उदयपुर में एमबीबीएस फर्स्ट ईयर 2020 के साथ कर रही है। दूसरी बात, मैंने जो सीएलसी में देखा है साहब, सीएलसी में जब भी कभी जाते हैं तो बॉस एक सामान्य से जाते हैं घुसते हैं जैसे, तो स्टूल पर ऐसे बैठे रहते हैं जैसे कोई एक सामान्य से आदमी हो। मेरे साथ कोई भी जाता है मैं कहता हूँ सीएलसी के बॉस हैं, अरे ये सीएलसी के बॉस हैं, मीन साहब ये सीएलसी के बॉस हैं। तो एक इतनी बड़ी संस्थान के मालिक और एक सामान्य व्यक्ति की तरह वहाँ मिल जाते हैं गेट पर घुसने के साथ, तो इससे बड़ा मैं किसी को, ये बात ही मेरे सामने नहीं हो सकती कि इतने बड़े संस्था के मालिक और हमसे साधारण व्यक्ति बनकर ऐसे बिल्कुल सामान्य सी बातें कर लेते हैं। दूसरा, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे सीएलसी के पूर्ण हेड अपने वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी के सामने साहब, जब भी मैंने कोई मेरी परिस्थिति रखी, मैं जब भी कोई बच्चा लेकर गया और मैंने उनकी जो वास्तविक परिस्थिति उनके सामने रखी, वीरेंद्र जी ने एक ही बात कह दी कि पूर्ण जी आप आगे जैसा आप कहोगे ऐसा कर ले। मेरे साथ मेरे भांजे बैठे, तो भांजे का सिलेक्शन पहले 12वीं साथ ही हो जाता, लेकिन मेरे जीजा जी जो थे वो एक्सपायर हो गए, तो उस वजह से उस साल ये रह गए थे। फिर मैंने संस्था गया, मैं वीरेंद्र जी से मिला, मैंने मेरी समस्या रखी थी कि सर ऐसे ऐसे हमारे भांजे के साथ ये कहानी हो गई। सर ने इतना कह दिया कि पूर्ण जी आप आ गए, तो मैं तो पुनः सीएलसी टीम को, बॉस को, इनका पुनः हार्दिक दिल से धन्यवाद देता हूँ। और मेरे पास ऐसे कोई ऐसे शब्द नहीं है कि जो इनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सबसे पहले आपके परिवार में आपके साढ़े साहब सिलेक्ट हुए जी, बताएं उनका। डॉक्टर जितेंद्र जाटव, और आप कहाँ? अजमेर में साहब, अजमेर में आप स्किन से जी। 2011 में सिलेक्ट हुए आपके साढ़े साहब जी। उसके बाद आपकी बेटी सिलेक्ट हुई जी, जो आरएनटी उदयपुर में जी जी। फिर आपके दो भांजे सिलेक्ट हुए साहब, और भांजे के इस एक जीजा जी, हाँ जी, भांजे के जीजा जी। तो पांच डॉक्टर आपके यहाँ, छह साहब, छह डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर एक परिवार को आगे पीछे मिलते। और दोस्तों ये एक सामान्य परिवार, मैं गांव का रहने वाला हूँ।